अलैकुम। तो आज जो है हम आए हैं मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत पर, और ये जो है हम अपने पैकेज की तरफ से ही आए हैं। तो आज हम करेंगे मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत। इनसे पूछना, खजूर की तस्बीह है? खजूर की नहीं है। बसेस, सारी बसेस लगी हुई हैं ज़ियारत। अभी जो हमारी गाड़ी है इंशाअल्लाह ताला की तरफ जाएंगे, जहाँ पर दौरा नमाज अदा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए, आपका सीधा हाथ राइट साइड, ये पहाड़ का अगला हिस्सा है, बहुत पहाड़ का फर्स्ट साइड वाला हिस्सा है। ये है दज्जाल वाले पहाड़, यानी कि जो दज्जाल का फितना आएगा वो इसी तरफ से आएगा, इसी रुख से आएगा, और इस पहाड़ को क्रॉस नहीं कर सकेगा। ये पहाड़ बहुत ही बड़ी पहाड़ी थी, इसको काटा है लेकिन छोटा बनाया हुआ है। इसके बारे में आप जरूर रहनुमाई करते हैं। ये देखिए साथ में ये नहर है, इसे बोलते हैं वादी अकीक। ये जो नहर है जिसमें घास भरा हुआ है, ये सारी वादी अकीक उफादी इसी वादी के अंदर आकर उस जबल रुमात पहाड़ पर हो जाते हैं। और हजरत ग्राम, ये जो वादी अकीक है, मदीना में तीन ऐसी वादी है जिनको जन्नत की बशारत है। तो है कुबा का दोनों किनारे हैं, ये वो देखिए लास्ट में कोने की मस्जिद, वो लाल छतरी वहाँ लेडीज की जगह है, और ये बिल्कुल सामने जो है ये मद मदरसा है। और अबी जो है हम आए हैं मस्जिदुल क़िबलतैन, यहाँ पर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबले का रुख चेंज फरमाया था। तो ये है वो मस्जिद जिसमें जो है हम दो रकात नमाज नफिल तहत्तुल मस्जिद के पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम अगली ज़ियारत के लिए चलेंगे। ये है मस्जिदुल क़िबलतैन, यहाँ पर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला चेंज फरमाया था। हर जगह माशाल्लाह कबूतर बहुत दिखेंगे यहाँ पर। अब सब लोग जो हैं जा रहे हैं दो नफिल अदा करने के लिए मस्जिद का, जो कि हक बनता है तहतुल मस्जिद का। अभी हमने जो है पढ़ने हैं नमाज तहतुल मस्जिद की, पढ़ लिए। अभी बस गाड़ी में बैठेंगे और नेक्स्ट ज़ियारत के लिए निकलते हैं। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का सबसे पहले जुमा खुतबा अदा फरमाया था, इसे बोलते हैं मस्जिद जुमा। ये कुबा पैदल रोड के ऊपर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं मस्जिद कुबा, जिसके बारे में मैंने बहुत बार सुना था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह ये रही मस्जिद कुबा। तो अभी मस्जिद कुबा जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, मैंने इसके बारे में बहुत सुन रखा था। तो मैं जा रही हूँ कुबा, कुबा। हाँ, तो यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे दो रकात नमाज तहतुल मस्जिद और दो रकात नमाज शुक्राने की। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना प्यारा नूर है। नहीं हमारा तो हो रहा है, जिसका किस किस का हो रहा है? नहीं चलो, गेट नंबर 8 से लेडीज़ की एंट्री है। यहाँ पर माशाल्लाह सारी रैक्स बनी हुई है शूज़ वगैरह रखने के लिए। यही उतार देना, पढ़ लो। अच्छा, यहाँ पढ़ रहे हैं। और अभी बजे हैं 9:30 हो रहा है अभी, बट धूप बहुत तेज़ है बाहर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मस्जिद कुबा की भी ज़्यारत कर ली है। अभी हम नेक्स्ट ज़्यारत की तरफ जा रहे हैं अपनी। अभी जो हमारी गाड़ी है खजूर के बाग में, वाह माशाल्लाह, रिहायशी एरिया है, देखो बहुत ही सिंपल तरीके के घर बने हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग, कुछ मॉडल, लेकिन कोई मॉड्यूलर नहीं है, कुछ कुछ सिंपल तरीके का है। अभी जो है हम आए हैं खजूरों के बाग में, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के खजूर हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी हम भी खजूर देखेंगे, और आप देख सकते हैं खजूरों के ये हैं बाग। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म के खजूर मिलेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं खजूरों के बाग, यहाँ जालियाँ लगी हुई हैं, कुछ कोई अंदर ना जाए, जिससे कि हैं गई थी तुम जब पहले आई थी, तो अभी ये जालियाँ अभी लगाई है इन्होंने, पहले नहीं थी।
बाग ही बाग है अंदर खजूरों के। तो पहले जो है हम देखेंगे खजूर, खजूर यहाँ पर क्या क्वालिटी है, खजूर की क्या क्वालिटी है, क्योंकि अभी तक हमने कोई खजूर वगैरह कुछ भी नहीं लिए हैं, तब रुक के लिए हैं ना, अभी मार्केट गए हैं। तो पहले सबसे पहले हम यही देखते हैं कि खजूरों की क्या वैल्यू। खा दिए, बिल्कुल ताज़ा है, सबसे अच्छे हैं। 18 बोल रहे हैं, मैं 15 बोल रही हूँ। ये हमारी कलमे वाले कलमिया, ये अच्छा लगा मैं, हाँ ये फ्रेश है एकदम। माशाल्लाह ये सारे खजूर के यहाँ पर बाग है, सारे सारे खजूर अभी आए हुए हैं, इस पर बैग लगा दिए खजूर पर, जिससे कि नीचे लग गए खजूर के सारे बाग। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। आज जो है हम इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जा रहे हैं रियाजुल जन्ना, क्योंकि हमें जो है अपॉइंटमेंट आज ही मिली है, और आज हमें जो है लगभग 4 दिन हो गए हैं मदीना में, तो 4 दिन बाद हमें अपॉइंटमेंट मिली है। इससे पहले भी हम गए थे लेकिन वो बाहर ही गए थे, आज हमें अंदर जाना है। तो उसके लिए अभी जो है हम आ गए हैं 360 गेट पर, क्योंकि यहाँ पर ही सबको बोला था कि सारे जितने भी हमारे टूर वाले हैं सब यहीं पर इकट्ठा होंगे। और अभी जो है मैं आ गई थी वज़ू करने के लिए, और माशाल्लाह एकदम नीट एंड क्लीन है यहाँ के वज़ू खाने, और यहाँ पर भी काफ़ी सारी लाइनें लगी हुई थी अपने अपने टूर के हिसाब से, जो किसी मुल्क से था या फिर अलग अलग टूर के हिसाब से यहाँ लाइनिंग थी, और हमारी भी यहाँ पर अलग लाइनें लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर लाइन से ही जाया जाता है, और जितने लोगों का परमिट मिलता है सिर्फ उतने लोगों की ही एंट्री की जाती है। तो लेडीज़ को जो परमिट था वो इशा के बाद का था, और जेंट्स को रात के 2 बजे का मिला था, तो उसी हिसाब से जाना होता है जिस हिसाब को आपकी टाइमिंग है। तो रियाजुल जन्ना में अंदर की मैं क्लिप नहीं ले सकी, क्योंकि लेडीज़ को वहाँ पर बहुत कम टाइम दिया जाता है, सिर्फ 2 मिनट उन्होंने बोला था कि नफिल अदा करो, दो अपने, और फौरन से बस बाहर निकाल दिया था, तो इसलिए कोई भी क्लिप नहीं ली। और जब बाहर निकले तो फिर हमने दीदार किया गुंबद खिजरा का, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं अंदर तो हमें बहुत कम टाइम के लिए रुकने दिया, लेकिन फिर हमने यहाँ पर काफ़ी देर तक हम खड़े रहे थे, यहाँ पर गुंबद खिजरा का दीदार करते रहे थे। और आज जो है जी हम जा रहे हैं मार्केट थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, तो हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं बिलाल मार्केट, और बिलाल मार्केट जो है वो नबी मस्जिद से थोड़ा सा आगे ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और ये सुबह का टाइम है 8-9 बजे के बीच का, और इतनी तेज़ धूप है कि बस हमें है ना अपने अम्ब्रेला खोलने पड़ गए। हम सब ने है ना एक ही शॉप पे से ज़्यादातर सामान ले लिया था, तो यहाँ पर जो थे ये खजूर थे, बादाम वगैरह वाले, टॉफ़ीज़ वगैरह की वैरायटी थी, तो हमने यहाँ से टॉफ़ी और खजूर वगैरह लिए थे। यहाँ की है ना एक बहुत स्पेशल चीज़ है ये अजवा पाउडर, ये है ना दूध में डालकर पिया जाता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, तो भाई ने ना ये भी लिए थे। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि यहाँ पर है ना दुक्का मसाला बहुत ज़्यादा फेमस है, ये मदीने में ही मिलता है, और बहुत सारी चीज़ों में आप इसको डालकर खा सकते हैं, दही में या सैलेड पर, फ्रूट्स पर, मतलब या किसी भी डिश में ऊपर से आप किसी में भी डाल के खा सकते हैं, इससे इसका टेस्ट है ना बहुत ज़बरदस्त होता है, और ये सिर्फ यहीं मदीने में ही मिलता है। ₹25 उसके बाद जी हमने यहाँ पर चादरें देखी थी, तो चादर है ना यहाँ पर यही क्वालिटी मिलती है सब में, बस थोड़ा सा प्रिंट और थोड़ा सा कलर का ही फर्क रहता है। तो यहाँ पर चादर जो थी ये सारी ऐसी ही थी, मेरे पास ऐसी थी तो फिर मैंने ली नहीं, मैंने अभी तो भाभी ने अभी भाभी उम्र पर गई थी तो वो लेकर आई थी, तो फिर हमने ये ली नहीं थी किसी ने भी। और यहाँ मदीने में आकर मुझे खजूर की तस्बीहें दिख गई, फिर मैंने यहाँ से तस्बीह ली, और ये तस्बीह जो है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने मंगवाई थी कहकर, तो ये स्पेशली मैंने उनके ही लिए ली थी। और यहाँ जो है मैं स्मार्ट वॉच देख रही हूँ बुशरा के लिए, क्योंकि उसने कहा था मामा मेरे लिए ना स्मार्ट वॉच लेकर आना, और यहाँ मुझे एक भी स्मार्ट वॉच पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ थे और वो भी छोटी है, उसके हाथ भी पतले हैं। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ दो, वहीं जाकर लेंगे अपने इंडिया में ही, ऑनलाइन बुक करेंगे। और यहाँ से हमने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट के लिए एसेसरीज़ ख़रीदी थी, यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी है, और हर शॉप में यहाँ पर ज़्यादातर इस तरीके की वैरायटी आपको मिल जाती है, कि एक ही शॉप में काफ़ी सारे एसेसरीज़ या गिफ्ट आपको
मिल जाते हैं। तो यहाँ से भी हमने थोड़ा सा सामान ख़रीदा था। और आए थे ना आया ने स्पेशली मुझसे बोला था कि मम्मा है ना हमारे लिए मेकअप किट लेकर आना, क्योंकि वह ना यूट्यूब पर देखती रहती हैं कि बच्चों की भी मेकअप किट होती हैं। अभी मैं यहाँ पर देख रही थी तो यहाँ पर है ना बड़ों वाली थी जो बड़े यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी बच्चों वाली मेकअप किट्स। अभी जोहर का वक्त हो गया था तो हम मार्केट से सीधे नबी मस्जिद आ गए थे, हमने जोहर की नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद हम लंच के लिए अपने रूम के लिए निकल गए थे। अभी रास्ते में ऐसे हमने अजवा आइसक्रीम ली थी, वो खाई थी, बहुत टेस्टी थी। असर की नमाज हमने होटल पर ही पढ़ी थी और मगरिब के टाइम हम आ गए थे दोबारा नबी मस्जिद के लिए। आज है ना इतना प्यारा मौसम हो रहा है, ये सवा चल रही है और अभी हम ईशा की नमाज पढ़ के बस जा रहे हैं अपने होटल में। यहाँ पर ही स्नैप्स बनाए जा रहे हैं, फ्रेम बना रखा है। यहाँ ये फूड है कंट्रीज के अलग अलग, और इन्हीं फूड कोर्ट के सामने टॉय शॉप थी तो फिर मैं इसमें चली गई थी मैंने बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ देखूँ, तो यहाँ पर मुझे मिल गई थी मेकअप किट्स बच्चों के लिए। और मैंने मक्का में भी देखी थी, मैंने यहाँ पर भी काफ़ी सारी शॉप में देखी थी, मुझे नहीं मिल रही थी। तो आयत और इनाय की जो फरमाइश है वो पूरी हो गई है, उनकी पसंदीदा चीज़ यहाँ पर मुझे मिल गई है, तो मैंने दोनों के लिए एक एक किट ले ली थी। उसके बाद मुझे यहाँ पर मैंने ये क्लेचर बड़े अच्छे लग रहे थे, मैं इसी तरीके के बड़े क्लेचर लगाती हूँ, तो फिर मैंने यहाँ से 3-4 अपने लिए क्लेचर लिए थे बड़े साइज़ वाले ये। और मैंने यहाँ से कुछ लिपस्टिक और एयरिंग्स वगैरह भी लिए थे बच्चों के लिए ही। और बिल्कुल हमारे होटल के ही सामने ये टॉप टेल मॉल था और इसमें मैं 2 बार गई थी और दोनों बार ये मुझे बंद मिला था, क्योंकि दिन में जो थे हम ज़्यादातर नबी मस्जिद में रहते थे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, और उधर से आते थे तो लंच का टाइम हो जाता था, ईशा के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता था जाने के लिए। मैं देखना चाह रही थी कि इसके अंदर क्या मिलता है, किस तरीके का सामान मिलता है, लेकिन मैं इसमें जा ही नहीं पाई। और जी नेक्स्ट डे जो है हम दोबारा आ गए थे बिलाल मार्केट में, आज हमें अबाया वगैरह देखने थे क्योंकि एक दिन में सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है, नमाजें वगैरह निकलती हैं, तो थोड़ी सी शॉपिंग करते थे, नमाज का वक्त हो जाता था तो नबी मस्जिद में आ जाते, फिर दोबारा हम नहीं जाते थे क्योंकि थोड़ा सा दूर तो पड़ता ही है। फिर भी इधर दिखाओ, दिखाना आगे से ऊँचाई अप डाउन वाला है ना, अप डाउन में है ना ये। तो उसके बाद जी हमने देखी थी यहाँ पर चादरें, और ये चादरें जो थी ये प्लच्छी की चादरें थी, इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी। मैं चादर ही पहनती हूँ इसलिए मैंने यहाँ से चादर ही लिया, ये ब्लैक वाली बाजी ने ली थी वाइट और बड़ी बाजी ने ब्लैक ही ली थी, तो हमने यहाँ से ये 3 चादरें कटवाई थी। यहाँ पर फैब्रिक की कोई ख़ास वैरायटी नहीं है लेकिन फिर भी हमने ये चादरें ले ली थी, और यहाँ पर जितने भी फैब्रिक हैं वो ज़्यादातर आपको थान में ही मिलेंगे, तो थान में से ही आपको अपने मीटर के हिसाब से कटवानी है कि आपको सूट बनाना है या चादर बनानी है, दुपट्टा बनाना है, मतलब जो भी। तो हमने अभी चादर के हिसाब से ही 2.5-2.5 मीटर के यहाँ पर ले लिए थे ये। उसके बाद जो है बड़ी बाजी ने भी अपने लिए अबाया लिए थे यहाँ से, तो यहाँ के फैब्रिक की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। और यहाँ से जो है बाजी ने अपनी बेटियों के लिए जानमाज़ें ली थी, तो बस अभी जो है इन पर नाम डलवा रहे हैं हम। तो और भी लिया था बहुत कुछ जो कि रिकॉर्ड नहीं कर सकी। आई होप कि व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, ऐसा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।